हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। कैसे पति को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली और उस पर जो आरोप लगे थे, उसके माँ बाप पे भी जो आरोप लगे थे 498 और IPC की धारा 306 में, उन पर जो लगाए गए आरोप को केस से उनको बरी कर दिया गया, यानी कि वो लोग इसमें बरी हो गए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आजकल बहुत ज्यादा मैटर ये आ रहा है कि अगर आपके पति के ऊपर 498 का केस तो चल ही रहा है और साथ ही साथ IPC की धारा 306 चल रहा है, तो ये जजमेंट उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कैसे पति को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली वो इस जजमेंट में है। तो मामला क्या था वो जानते हैं। एक्चुअली इनके जो हस्बैंड है और वाइफ, इन दोनों की जो शादी के अभी 3 साल हुए होते हैं, तो जो हस्बैंड के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, यानी कि जो डिसीज्ड है, यानी कि डिसीज्ड की माँ ये आरोप लगाती है कि उसके जो हस्बैंड ने उसकी लड़की की उसको मेंटली फिजिकली उसको टॉर्चर कर रहे हैं, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। फिर डिसीज यानी कि वही जो उसकी माँ है, डिसीज की जो माँ है वही कंप्लेन करती है और उसके पति के ऊपर और उसके फादर के ऊपर और उसके मदर के ऊपर कि उसके मेंटली फिजिकली टॉर्चर करने का उसकी लड़की ने ये कदम उठाया। फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तो ये क्लियर निकल के आता है कि पति और उसके जो माँ बाप ने ही उसकी लड़की को उकसाया, जिसके कारण वो लड़की ने सुसाइड किया। फिर जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो प्रोसिक्यूशन टोटल 21 एग्जामिन करती है विटनेसेस का, जिसमें से 4 तो हॉस्टाइल हो जाते हैं, जिसमें तो जो 4 होते हैं प्रोसिक्यूशन के जो मेन 4 होते हैं इंडिपेंडेंट, उसी पे ही सेशन ट्रायल उस पर फैसला लेती है। एक्चुअली हुआ रहता है कि जो हस्बैंड यानी कि जो विटनेसेस हैं एग्जामिन जिनका करते हैं, वो उसमें से उसके जो फादर हो गए, मदर हो गई डिसीज के फादर मदर और उसके अंकल और साथ ही साथ जो मीडिएटर मतलब जिसने उन दोनों की शादी कराया था। फिर इनका जब एग्जामिन होता है तो क्लियर ये निकल के आता है और जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ किए जाते हैं और सेशन ट्रायल द्वारा इनको उसमें उनके पति और उसके परिवार वालों पे आरोप सिद्ध होता है और इनको सजा सुनाया जाता है। फिर इस ऑर्डर के खिलाफ पति जाता है कहां पे, हाई कोर्ट में। वहां पे भी दरवाजा खटखटाता है, वहां पे भी अपनी बातों को रखता है, लेकिन हाई कोर्ट भी जो निचली अदालत ने जो सजा सुनाया है उसको सही ठहराता है और उनकी सजा को बरकरार रखता है। इस ऑर्डर के खिलाफ जो पति होता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठती है कि जो लड़की ने सुसाइड किया है वो IPC की धारा 306 उसके साथ 107 में भी होना चाहिए, लेकिन जो 306 है वो एक प्रकार से आपको पता है IPC की धारा जो 306 है वो अबेटमेंट टू सुसाइड है और जो अबेटमेंट है वो IPC की धारा 107 में डिफाइंड है, जिसमें ये होता है कि अगर किसी को उकसाते हैं और उकसाने के बाद वो कोई कृत्य करता है या कोई सुसाइड कर लेता है, दूसरा चीज उसको कोई षड्यंत्र करके उसकी कोई हत्या कर देता है, तीसरा चीज या कोई सहायता करके उसकी हत्या कर देता है, तब 107 लगता है। तो जो ये कह रहे हैं कि उसको मेंटली फिजिकली ऐसा उकसाने पर उस लड़की ने यानी कि जो उसकी वाइफ ने जाकर ऐसा कदम उठाया, तो ये सब बातें वहां पे सुप्रीम कोर्ट में बातें रखी जाती हैं, क्योंकि और ये भी रखा जाता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट यानी डॉक्टर की जो रिपोर्ट आती है उसमें ये बताता है कि जो लड़की की जो मृत्यु हुई है वो दम घुटने से हुई है। एक्चुअली जब मामला ये होता है कि जो लड़की होती है वो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो प्रोसिक्यूशन वो तो अपने एविडेंस को दिखाया, उसने सब एग्जामिन भी कराया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई कि जब उसका यानी कि जो डिसीज की जो माँ है, अगर उसने उसका जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ कि उसने बताया कि उसको फोन आया उसके पति ने उसकी लड़की की हत्या करके उसको कुएं में या उसकी मार के उसको कुएं में फेंक दिया है, लेकिन जब वो वहां जाती है तो वहां पर उसकी लड़की की कोई बॉडी नहीं मिलती ना ही उस कुएं में, साथ ही साथ नेबर को भी वहां पर उनका भी होता है कि उनके नेबर भी कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बॉडी नहीं देखी या उसमें कुएं में तैरते हुए, तो ये सब बात वहां सुप्रीम कोर्ट में बात रखी जाती है।
लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो मीडिएटर वो भी कहता है कि एडिशनल डाउरी की बात हो रही है, कैश एडिशनल मांगने की बात हो रही है, तो ये सब से उसको मेंटली फिजिकली हैरेसमेंट किया जा रहा था, तो ये सब बात निकल कर आती है। फिर सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों को देखते हुए हस्बैंड और उसके परिवार के फेवर में बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर उनको उन केसों से बरी कर देता है। यानी कि जो उसके ऊपर जो आरोप लगे थे, यानी पति के ऊपर 498A का और IPC की धारा 306, क्योंकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट का एक फायदा मिल जाता है, क्योंकि ऐसा उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिसके कारण उसकी जो वाइफ की मृत्यु हुई हो, ना उन्होंने किसी प्रकार का उकसाया, ना कोई षड्यंत्र किया, ना किसी से हेल्प से उसकी हत्या किया, जो उसके कारण ये घटना हुई। तो इस तरह का जजमेंट आपके लिए जरा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस जजमेंट में आपने देखा होगा कि पति और उसके परिवार वालों को 498A 306 से एक्विटल कर दिया, केस से बरी कर दिया। तो आपको इस तरह का जजमेंट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और इस जजमेंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और अपने केस को अच्छा मजबूत बनाइएगा, क्योंकि अगर आपका केस अच्छा मजबूत नहीं होगा तो आपको केस में सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको अपना केस देखना है, उसको इस जजमेंट से मैच करना है, और आपको लगता है ये जजमेंट लगाने लायक है, इस जजमेंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो आपने जो भी लॉयर किया है या जो भी आप केस को जिससे थ्रू रिप्रेजेंट करा रहे हैं उससे एक बार विचार विमर्श करके आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो और आपको लग रहा है कि अगर आप ये FIR हुई है या ऐसी कुछ घटना हुई, ऐसा कुछ हुआ है, और आपको ऊपर आप सोच रहे हैं कि आप पे ये धारा लगी तो आप इससे कैसे सलूशन मिले, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपके मन में क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह का जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ मैं उन लोगों के लिए भी कहूँगा जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस तरह के जजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस जजमेंट को पढ़िएगा, समझिएगा, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।